सुजानपुर के मोहल्ला पूर्वियां दे विच मौजूद हां। तुहानूं दस दईए कि पूरे मोहल्ला वासी जिहड़े ने एक निजी कंपनी के टावर के लगन नूं लैके विरोध दे विच उतरे ने। दस दईए कि निजी टावर लगन दे नाल जिहड़े लोकां नूं नुकसान हुंदे ने, लोकी विरोध दे विच उतरे हुए ने। गलबात करांगे, सब तो पहलां भाजी की नाम तुहाडा ते की परेशानी हैगी? भाई मेरा नाम मुनीश है। की समस्या की आ रही भाजी? समस्या इह है भाजी, एयरटेल दा टावर लग्गिआ हैगा जी। सानूं इह समस्या हैगी, साडे मोहल्ले कोई बजुर्ग है, कोई बच्चे हैगे है, इहदा साइड इफेक्ट बड़े ने, असीं इहनूं रिमूव करवाउणा चाहुंदे हां जी। साडी इही मंग है ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਈ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਤੇ? ਭਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 14 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੂਰਾ ਪੁੱਟਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਘਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਾਵਰ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜਸੋਟਿਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਹੁਆ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੋਨੇ ਰਾਤ ਕੇ ਵਕਤ ਮੇ ਅੰਧੇਰੇ ਮੇ ਇਹਨੋਨੇ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਲਗਾਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤੋ ਇਨਕਾ ਜੋ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰ, ਔਰ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो मैंने फादर से इसके बाद की, मैंने बोला कि ये चीज बड़ी खतरनाक है, ये पहले सबसे पहले आपके घर वालों को खाएगी और बाद में मोहल्ले में मतलब के कैजुअलिटी होने का डर है। सो द आंसर दैट आई गॉट फ्रॉम द पर्सन इज दैट कि जब कैजुअलिटी होगी ना तब देखी जाएगी, जब किसी को मौत होगी तब देखी जाएगी। तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने क्या किया कि मैंने चिट्ठी लिखी, सब लोगों के साइन कराए हैं, ये जितने भी हैं सारे रेजिडेंट्स ने साइन किए हैं। हमने ईओ साहब को दरखास्त दे दी थी, उन्होंने, मैं ये नहीं बोलूंगा उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने एक्शन लिया। लोग आए हैं यहाँ पे कमेटी घर से, उन्होंने आके बकायदा इनको पूछा है कि आपने मतलब के पूछ लगाने से पहले आपने एनओसी लिया या नहीं लिया। इन्होंने मेरे को बोला कि हमारे पास एनओसी है, जबकि इनके पास कोई एनओसी नहीं है। यहाँ तक कि जो इनकी प्रॉपर्टी भी है दैट इज इलीगल, इट इज नॉट पास थ्रू द कमेटी। जो इन्होंने घर खड़ा किया हुआ है दैट इज ऑल्सो नॉट ऑन फाइल्स, ठीक है जी। उसके ऊपर से ये लोग जीनाजोरी कर रहे हैं, मतलब कि ये कभी किसी की एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी की एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आई बी वेरी फ्रैंक, बच्चे सब लोगों के सांझे हैं जी। मेरा बेटा है, उसका ऑपरेशन हुआ है ब्रेन का, मेरे बेटे के शंट पड़ा हुआ है दिमाग में। मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लगने दूंगा, और सारे बच्चों के लिए, आने वाली टाइम, आने वाली पीढ़ी के लिए दिस इज वेरी, इट्स वेरी डेंजरस। आई विल नेवर लेट दिस टावर टू गेट इंस्टॉल ओवर हियर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने बोला है कि हटवा दिया जाएगा, हटवा दिया जाएगा। अभी भी आप देख सकते हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अगर आप देखें तो इवन एट द बैक साइड जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इलीगल हुई है, ठीक है ना, फ्रंट वाली साइड पे तो है ही है इलीगल। तो हमारी ये मांग है कि ये जो टावर है ना ये जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, वो जो अर्थ की तार जो लगाई हुई है जमीन पे, अगर आप कंपनी का इंतजार कर रहे हो कि कंपनी आके वो हटवा के जाएगी, कंपनी अगर रातों रात आके लगा के जा सकती है तो कंपनी आके उतार क्यों नहीं जाके, उतार के क्यों नहीं लेके जा सकती, ये चीज मेरी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ यू गोइंग बाय द बुक्स लेट्स गो बाय द बुक्स राइट। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये जो चीज है ये जल्द से जल्द निकाली जाए। ये बोलते हैं हमें, मेरे को इन्होंने इतनी बार बोली कि आप कर लो जो करना है जी। कर रहे हैं जी, विल गो बाय द बुक्स, ठीक है जी। जो सबसे पहले वो जो तार है वो काटी जाए यहाँ से जो अर्थ में लगाई हुई है। इफ यू वेटिंग फॉर द कंपनी टू कम, लेट्स वेट फॉर द कंपनी टू कम। बट आई विल रिक्वेस्ट कि कमेटी घर से भी जो उन्होंने एक्शन लेना वो ले रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट के मैं सबके बारे सामने बोल रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए आप मंगवाएं, आप ये अनइंस्टॉल करवाएं, जितना पैसा के खर्चा आएगा विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवरसेल्व्स एंड विल पे फॉर इट। हम नहीं यहाँ पे लटके रहेंगे कि मतलब के महीने के बाद में कंपनी वाले आएंगे और उतार के लेके जाएंगे। महीने वाले तो पॉलिसी खेल रहे हैं, क्या पता महीने के बाद वो ऊपर पैसा मतलब के वो मतलब के ऊपर से कुछ भी परमिशन ले लू के वो करवा दें, विच इज वेरी बैड, ठीक है ना। जब हमारी हाजिरी लगी है वहां पे, जब हमारी दरखास्त की है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।
ठीक है जी, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, देखो मेरे को कोई उनसे लेना देना नहीं है, मेरे को ये नहीं है कि मेरी लड़ाई है उनके साथ, बस एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री आई एम वरीड अबाउट माय पीपल, आई एम वरीड अबाउट द किड्स, आने वाली जनरेशन के बारे में वरीड हूँ। आप सब लोगों को पता है आज के टाइम में अगर आप देखो तो ये टावर्स जो है ये खतरनाक चीज है, लोग समझते नहीं है इस बात को, चलो ना समझे लेकिन हम नहीं लगने देंगे इसको। इट्स अ प्रेयर, इट्स अ वेरी कंप्लीट एंड फुलफिल आस्क फ्रॉम माय एंड, सो आई वुड रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन ऑन इट। एंड ऐसा नहीं है, आई हैव रिटन ऑन ट्विटर यस्टरडे, आई हैव रिटन टू भगवत मान, ट्विटर पे मैं आपको शो कर सकता हूँ, मेरी वो दूसरे फोन में है, मैंने वो कह रहा है ग्रीवेंस डाली है ऑनलाइन, मैंने ग्रीवेंस डाली थी ऑनलाइन यहाँ पे, और वो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर टू कम ऑन दैट आल्सो, क्योंकि देखो मेरे को किया गया था चैलेंज, और जब इलीगल चीज होती है तो इलीगल चीज के लिए यू हैव टू गो बाय द बुक्स ओनली, तो मैंने ग्रीवेंस डाली हुई है एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई टू कम ऑन दैट। ठीक है जी, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कोऑपरेट विद अस व्हेन इट कम्स टू यू नो दिस, दिस इज द ग्रीवेंस लेटर दैट आई हैव पुट एंड दिस इज गॉन डायरेक्टली टू connect.gov.punjab.in। ठीक है जी, उसके बकायदा इसके अलावा मैंने ट्विटर पे भी लिखा हुआ है विद ऑल द प्रूफ्स ऑफ व्हाट एवर आई सबमिटेड एज एन एप्लीकेशन, ऑल द प्रूफ्स हैव बीन सबमिटेड इन ट्विटर आल्सो एंड आई हैव रिटन डायरेक्टली टू भगवंत मान, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई ऑन दैट आल्सो। ऐसे स्थानीय निवासी जिन्हों वालों साफ तौर पर कहा गया कि इस टावर के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उन्होंने वालों जी रिटर्न कंप्लेन जी कमेटी कर दी गई है और सीएम भगवंत मान तक जोड़ा है अपील की गई है कि इस टावर ने उतो रिमूव कराया जाए, उन्हों का साफ तौर पर कहना जेकर अनइंस्टॉल करने वास्ते कोई खर्चा भी उन्होंने देना पैदा तो महल वासी जोड़े ने इकट्ठा करके देने, हूँ देखना यह होगा कि विभाग इस सारे मामले के उपर की कार्रवाई करता है। तुम जुड़े रहो के आर टी न्यूज़ के मैनू दो इजाजत, नमस्कार।